से कल 6 जून का दिन है, तो कल क्या सिक्योरिटी के इंतजाम है? सिक्योरिटी ऐसे ही है जी, कल को और बढ़ेगी सिक्योरिटी, लेकिन हमारी ड्यूटी जी कल को और बढ़ जाएगी, टाइम जरा और बढ़ जाएगा। जैसे अब हमारा 7 से 7 है, अब कल 5 बजे सभी फोर्स आ जाएगी, जो अंदरला एरिया उस पर तो 4 बजे आ जाएगी, जैसे हरिमंदर साहब की एरिया उस पर 4 बजे फोर्स आ जाएगी, लेकिन आउटर है जो 5 बजे शुरू होगी 7 बजे के बजाय। सर ड्यूटी करते करते जैसे ये हमारे अधिकारी हैं, इनको कभी किसी चीज़ की मुश्किल आई है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं जी, हमें पानी, यहाँ पानी की व्यवस्था है, लंगर भी आता है यहाँ, तो ड्यूटी बहुत बढ़िया चल रही है जी। सर 6 जून का आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश है भी जो भी घर मनाना है वो पीसफुली तरीके से मनाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा काम ना करे जो आउट ऑफ लॉ हो, यही हमारा काम है, यही हमारा मुद्दा है भी जो ड्यूटी करनी है वो विदन लॉ करनी है, लोगों को भी विदन लॉ करने देनी है। हरकीरत सिंह नाम जी मेरा। सर कितों आए जो तुसी? मैं अपनी फैक्ट्री तो आ रहा। अच्छा, तो जिस तरह तो गड्डी खिला रही है? हाँ जी। तो इसकी चैकिंग की है? हाँ जी। किस तरीके ने की गई है? बड़े आराम नाल की गई चैकिंग, तो ये भी वधिया गल है, चैक करना चाहिए लोगों को कि जिदा कि माहौल होया गर्म होया है, उस करके हर एक गड्डी जी आती है वो चैक जरूर करनी चाहिए है, कोई मिसहैपनिंग ना हो, जिदा के दिन चलते पे घलू घर चल रहा है, उस करके स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, जरूरी होनी भी चाहिए है। पुलिस अधिकारियों वालों तो हानू कभी किसी चीज़ की मुश्किल तो नहीं आई? ना ना ना, बड़ी बड़ी पोलाइट, बड़े बढ़िया ढंग के नाल तलाशी हो रही है, कोई चक्कर नहीं है। जिस तरह अमृतसर के वासियों को संदेश देना चाहोगे 6 जून के बारे में? बस अवेयर रहन, कोई गलत मलत कोई शरारती अंसर है उन्होंने जरूर ध्यान रखन कि वह बंदा जो भी हो रिपोर्ट कर दो पुलिस में जरूर।